मैनपुरी की पहली महिला सांसद, नेताजी की सियासी विरासत संभालने वाली बहू, अखिलेश यादव की मोहब्बत और धर्मपत्नी, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भाभी, डिंपल यादव का बर्थडे यूं मैनपुरी में सेलिब्रेट हुआ तो तमाम बधाई संदेशों का जैसे सैलाब सा आ गया। इन बधाई संदेशों में सबसे खास था ये संदेश, जब छोटी बहू अपर्णा ने बड़ी बहू डिंपल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, जब देवरानी ने अपनी भाभी को कुछ खास अंदाज में विश किया। जी, अपर्णा यादव ने डिंपल के साथ की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर अपर्णा ने लिखा, मैनपुरी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी को जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिसके बाद इस ट्वीट को खूब शेयर किया जाने लगा, तमाम तरह के कमेंट्स और चर्चाएं भी शुरू हो गई। आदित्य सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, आदरणीय भाभी जी, आपको समाजवादी पार्टी के सिद्धांत पर चलकर नेताजी के सपनों को साकार करना चाहिए और अपने भाभी का और अपने भैया का साथ देना चाहिए। आदरणीय भाभी जी, आपसे उम्मीद है कि समाजवादी का साथ आप देंगी। वहीं राज नाम के यूजर कहते हैं, दो नाव की सवारी अच्छी नहीं होती। ओम नारायण यादव कहते हैं, गुड, आप सभी एक परिवार के रूप में हमेशा साथ साथ मिलकर रहो तो कितना अच्छा होगा और सशक्त रहोगे। अंशुल मिश्रा कहते हैं कि जेठानी के साथ ही जाओ, क्यों बीजेपी में घुसी पड़ी हो। वहीं सवाल उठने लगे कि अपर्णा ने डिंपल को ये शुभकामनाएं सिर्फ शिष्टाचार में दी या फिर इसके पीछे कुछ और वजह हैं? क्या ये फैमिली कनेक्शन है या कुछ और? लोग पूछने लगे कि अगर ये शिष्टाचार शुभकामना है तो मायावती को क्यों नहीं? प्रशांत त्रिपाठी नाम के यूजर का ये कमेंट देखिए, जो मायावती का बर्थडे भी याद दिलवाते हैं। वहीं ऐसे कई कमेंट्स के बाद कहें या फिर ऐसे ही डिंपल यादव को विश करने के करीब 3 घंटे बाद अपर्णा मायावती को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं। वैसे आप लोग क्या कहेंगे, जिस तरह से अपर्णा मौके मौके पर डिंपल को शुभकामनाएं देती रहती हैं, इससे पहले अपर्णा ने डिंपल यादव के मैनपुरी चुनाव जीतने पर भी नतीजों के अगले दिन सोशल मीडिया पर बधाई दी थी, जिसके बाद भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर से अपर्णा का ये ट्वीट काफी ज्यादा चर्चा में है। कई लोग इसे उनकी घर वापसी का संदेश बता रहे हैं तो कई लोग उनको कई तरह के सुझाव भी दे रहे हैं। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।